नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कानपुर देहात में दुष्कर्म के आरोपी को शिवली पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर अब्दुल कलाम भी हुए घायल। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली कुछ दिनों पहले हुए सामूहिक रेप के मामले में आरोपी था। आरोपी व घायल दरोगा को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। कानपुर देहात के क्षेत्र अंतर्गत बैरी सवाई चौराहे पर मंदबुद्धि युवती से नरेंद्र कश्यप और रामकेश चौरसिया ने शराब के नशे में सामूहिक रेप किया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी नरेंद्र कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में दूसरे आरोपी रामकेश पुलिस टीम को देखते ही भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। शिवली पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रामकेश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर अब्दुल कलाम भी घायल हो गए। कानपुर देहात एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामकेश व घायल इंस्पेक्टर को चिकित्सा हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। यहाँ पर क्या हुआ है? देर रात सारे पुलिस स्टेशन के लोग यहाँ पर हैं। देखिए, हमारे थाना शिवली क्षेत्र अंतर्गत ये जो रामगढ़ नहर पुल के पास 7:15 बजे हमारे एसएचओ शिवली माई फोर्स के साथ शाम को संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रहे थे। उस समय पे एक वाहन सवार व्यक्ति आ रहे थे। पुलिस को देखते ही तुरंत वापस मुड़ के मतलब बाइक तेज़ी से भगाने लगे। उसी भगाते वक्त वो फिसल कर गिर गए। जब हमारे फोर्स जो है उनको मतलब पकड़ने के लिए आए थे तब उन्होंने मतलब फायरिंग शुरू किया और जब हम थोड़ा सा पीछे हुए फिर पकड़ने गए थे तो वो भागते हुए फिर से एक और फायरिंग की। उस फायरिंग के दौरान हमारे जो इंस्पेक्टर है उनको मतलब बाएं हाथ पे चोट लगी। उसके बाद रिटालिएशन फायर में जो ये व्यक्ति है उनको बाएं पैर में चोट लगी है। दोनों व्यक्ति हमारे इंस्पेक्टर और उनको भी उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया और पूछताछ के दौरान ये पता चला कि इनका नाम है रामकेश, 35 साल है और ये अभी कुछ दिन पहले जो मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म करने में ये संलिप्त था और उसमें जो पंजीकृत अभियोग जो है उसमें वो नामजद भी थे। कोई आपराधिक इतिहास था पहले का? फिलहाल पूछताछ अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। जो भी मतलब विषय सामने आएंगे आपको भी दिखता। पुलिसकर्मी कोई घायल हुए हैं? भाई, हमारे जो इसी दौरान जब उन्होंने फायर किया था हमारे जो इंस्पेक्टर है अब्दुल कलाम उनको बाएं हाथ पर चोट लगी है। वो उनको भी हॉस्पिटल भिजवाएगा। फिलहाल वो देख रहे हैं कि कहाँ पे लगी क्या है। जो भी विषय सामने आएगा आपको भी दिखता। साथ में भी तो कोई था सर? और भी लोग थे साथ में? तो फिलहाल वो भी अभी आए हैं। हम पूरी डिटेल्स जो भी सामने आएंगे वो सब आप। अभियुक्त के साथ कोई व्यक्ति था पीछे बैठा था बताया? तो अभी वही पूछ के फिलहाल पूछताछ के दौरान पूछने में बाद आपको मतलब भी दिखा रहा हूँ। ठीक, खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।